स्वागत है तोड़ा मैं तोड़े नाल इंद्रजीत कौर पंजवा चुके ने इस वेले दियां पंजाब दियां सारियां खबरां दे नाल तुहानूं रूबरू करावांगे। सब तो पहला गल पकदे मुद्दे दी, कैनेडा दे रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन दी पंजाब फेरी ते पक्या विवाद शांत होण दा नाम नहीं लै रहा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान जारी करदे होए कहा कि अकाली दल अते आम आदमी पार्टी लोकां च गलत प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विरोधी ताकतां दी मुखालफत करना ते सूबे च अमन शांति कायम रखना उन्हां दा फर्ज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली दल अते आम आदमी पार्टी नूं सूबे दी कोई परवाह नहीं है, इस लई ओह लोकां नूं गुमराह करन प्रचार कर रहे ने। नाल ही उन्होंने कहा कि हरजीत सिंह सज्जन नूं पंजाब आउण ते प्रोटोकॉल मुताबक पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। कांग्रेसी आगुआं ते विधायकां ने कैनेडा दे रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन नूं कहा है कि वह खालिस्तान दे मुद्दे ते अपना स्टैंड स्पष्ट करन। उन्होंने कहा कि यह दोहां देशां भारत ते कैनेडा दे चंगे संबंधां दे लई जरूरी है कि वह इस संवेदनशील मुद्दे ते अपना स्टैंड स्पष्ट करन। कैनेडा दे हाई कमिश्नर वल्लों भी इस मुद्दे ते जारी बयान बारे कांग्रेसी आगुओं ने कहा कि कैनेडियन अधिकारियों दे वल्लों स्थिति स्पष्ट करने की थां ते तथ्यां नूं लुकाउण दा यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह हैरानी की गल है कि शांति पसंद पंजाबियों दे लई इस गंभीर मसले ते कैनेडियन अधिकारियों दे वल्लों चुप तारी गई है। कांग्रेसी आगुओं ने अकाली दल अते आम आदमी पार्टी दे आगुओं नूं भी यह सलाह दित्ती है कि वह हरजीत सिंह सज्जन दे वकील बनने की कोशिश ना करन, क्यों जो कैनेडियन रक्षा मंत्री दे वल्लों खालिस्तान दा समर्थक होण दा खंडन तक नहीं किया गया। इस खबर ते ज्यादा जानकारी दे लई जी मीडिया पत्रकार पुनित परिंजा साडे नाल चंडीगढ़ तो जुड़ चुके ने। पुनित, ताजा ए विवाद है रुकण दा नां नहीं लै रहा, हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, पर उस तो बाद भी रोक किते नहीं लगी। जी जाहिर तौर पर इंद्र, क्योंकि मुद्दा जिहड़ा है हर एक जिहड़े विरोधी धिर दा अपन गल करिए तां उन्होंने एक मुद्दा जिहड़ा इत्थे मिलदा दिख रहा है। उन्हां दा कहना है कि एक देश दे विदेश मंत्री रक्षा मंत्री जिहड़े है वह दौरे पर आ रहे हैं, और उस दौरान एक प्रोटोकॉल बनता है कि जो कोई रक्षा मंत्री इत्थे आउंदा किसी देश दा, और वह एक इहोजा मंत्री जिहड़ा कि सिक्खी वेशभूषा दे विच किसी दूसरे देश दा रिप्रजेंटेटिव रिप्रजेंट कर रहा है, उन्होंने इत्थे ना सिर्फ प्रोटोकॉल देना चाहिए बल्कि एक अधिकार बनता है कि सूबे के मुख्यमंत्री जिहड़े उनके नाल मुलाकात करने एक शिष्टाचार होंदा है। पर उत्थे ही जिहड़े सूबे दे मुख्यमंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सिंह उखरी उन्होंने फिर क्लीयर कर दिता है कि वह उन्होंने कोई ऐसा शिष्टाचार के नहीं आता कि उन्होंने मुलाकात करना जरूरी हो, उन्होंने एकाधिकार है कि वह मुलाकात करना चाहते या नहीं करना चाहते। और जिहड़े विरोधी धिर ने खासकर आम आदमी पार्टी या श्रोमणी अकाली दल SGPC या तमाम जिन्हें भी विरोधी धिर ने उन्होंने उत्ते बेवजह लोगों को भ्रमित करने की एक कोशिश जी उन्होंने वालों की जा रही है। और कितने कितने मेरी भी अज भी गल हुई थी इंदर उत्थे कांग्रेस के ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪੁਨੀਤ, ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ। जी जाहिर तौर पर, क्योंकि कल कैनेडियन अंबैसी वालों भी इसके उत्ते जब पंजाब सरकार वालों या कही तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों एक डिनाइल आया सीगा कि वो नहीं मिलेंगे, उस तो बाद खुद जिहड़े कैनेडियन अंबैसी वालों एक उत्ते लैटर जारी किया गया, उस कहा गया सीगा कि जिहड़ा भी इहदे विच गतिरोध चल रहा वो ठीक नहीं हैगा, और खुद उन्होंने सद्दा दिता सीगा कि खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह कैनेडा दे विच आ सकते हैं। उस तो बाद हुण जदों आ जरूर आया कि पंजाब सरकार वालों कि खुद स्टैंड क्लीयर करन, और कितने कितने कि जो एलीगेशन उत्ते लाए जा रहे हैं कि वो खालिस्तान के समर्थक हैं या खालिस्तान के उन्होंने नरम भावना उन्होंने मन में हैगी है, वो तो अपना स्टैंड क्लीयर करन। हो सकता है कि अगर अपना स्टैंड क्लीयर कर देंगे तो एक जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उन्होंने मुलाकात कर सकते, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि वह सज्जन जो हरजीत सज्जन सिंह कितनी जल्दी अपना स्टैंड क्लीयर करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत इस पूरे मामले से जानकारी देने लिए। तो जो कैनेडा के रक्षा मंत्री ने वो इस महीने के अखीर भारत दौरे ते आ रहे हैं, इस दौरान वो पंजाब अमृतसर भी आने, पर उस तो पहले ही विवाद गर्मा गया।